Yeah. चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि आबाहुः पुरुषाकारम् शंख श्वेतम सहसा पतंजलि ओ नमस्कार आज हमने जिस प्रार्थना के जरिए अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है उसके बहुत ही सुंदर अर्थ हैं वो ये कहती है कि हम उस महामुनि पतंजलि को नमन करते हैं जिन्होंने हमें योग विद्या दी जिससे मन शरीर और बुद्धि की स्वच्छता होती है जिन्होंने हमें व्याकरण दी जिससे भाषा की स्वच्छता होती है जिन्होंने हमें औषधियों का ज्ञान कराया जो शरीर से व्याधि का नाश करता है ऐसे पतंजलि महामुनि जिनका आधा शरीर शेषनाग का है क्योंकि ये शेषनाग के अवतार हैं जिनके हाथों में चक्र है तलवार है और शंख है जिनके सर पे शेषनाग का फन है हम ऐसे महामुनि पतंजलि को नमन करते हैं हजारों साल पहले पतंजलि हमारे लिए अद्भुत योग विद्या छोड़ गए और ये बिना किसी संशय के कहा जा सकता है कि विश्व के लिए भारत का सबसे कीमती तोहफा योग है ऐसा स्पिरिचुअल सब्जेक्ट जो और कहीं किसी धरा पे नहीं होता हम अगर योग को जीवन जीने की शैली मानते हैं और हम योगाभ्यास नित्य करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को न केवल सुचारू रूप से चला सकते हैं बल्कि एक इंसान की ज़िंदगी के असली मकसद तक पहुंच पाते हैं यानी उसे अपने आत्मा का विवेचन करना है और अपने को हायर कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाना है कार्यक्रम की श्रृंखला में हम आपको आयंगर पद्धति से आसन करना सिखाएंगे आज हम आपको सबसे पहले पार्श्वकोण आसन का ज्ञान कराएंगे तो चलिए सीखते हैं पार्श्वकोण आसन ताड़ासन में खड़े होने के बाद यू विल ब्रिंग योर पाम्स इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट हैविली एक्जेल बेन योर नीज जंप इन फोर फीट अपार्ट आप अपने उचित पादासन पोजिशन से हस्त पादासन पोजिशन में जाने के लिए पैर को 90 डिग्री टर्न करेंगे हस्त पादासन में जाने के बाद आप सांस छोड़ते हुए यू विल एक्जेल एंड गो डाउन फॉर पार्श्वकोणासन पार्श्वकोणासन में आपका दाया पैर 90 डिग्री पे मुड़ता है यानी इनर नी शुड बी इन लाइन विद द इनर एंकल आपके दाएं पैर का घुटना आपकी बाएं पैर की कोहनी को धक्का देता है एक बार जब आप इस पोजीशन में आ गए तो आप अपने हाथ को कड़ा करके सीधा करेंगे एंड देन यू विल एक्सटेंड योर हैंड्स ओवर योर ईयर पाम फेसिंग द फ्लोर आपका ध्यान रहना चाहिए कि आपकी पेल्विस सीधी रहे आपकी चेस्ट ओपन रहे और आपके शरीर का भार दाएं घुटने पे ना आए योर बॉडी वेट शुड बी शिफ्टिंग ऑन द आउटर एज ऑफ योर लेफ्ट फुट यू हैव टू कीप योर चेस्ट ओपन पेल्विस ओपन एंड देन यू विल टर्न योर नेक एंड लुक अप आप अपनी गर्दन घुमाएंगे और अपनी उंगलियों की ओर देखेंगे यू विल टेक अ डीप इनलेशन कम अप इन पार्श्व हस्तपादासन देन टर्न योर फुट इन उथित हस्तपादासन देन ब्रिंग योर पाम इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट जंप एंड फीट टूगैदर आप एक बार फिर ताड़ासन में खड़े होते हैं ये क्रिया अपने जैसे दाई ओर की ऐसे ही बाई ओर करनी होती है यू हैव डन एंड फिनिश्ड वन साइड द राइट साइड एंड यू विल बी डूइंग द सेम ऑन योर लेफ्ट साइड पार्श्वकोण आसन के बहुत सारे फायदे हैं ये शियाटिक पेन आथराइटिस घुटने में आथराइटिस एंकल का दर्द इसके लिए बहुत ही कारगर है इसके अलावा ये आपकी वेस्ट लाइन से फ़ैट हटाने के लिए बहुत कारगर है इससे आपकी स्पाइन में बहुत स्ट्रेंथ आती है हम आपको इसी आसन का इम्प्रोवाइजेशन भी सिखाएंगे ताकि अगर किसी को आर्थराइटिस या शियटिक पेन की दिक्कत हो तो वो बिना डरे इस पोज को कर सकता है अब हम आपको पार्श्व कोण आसन का इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा था कि हमने ये तय किया है कि हम ज्यादातर इम्प्रोवाइजेशन दीवाल की मदद से आपको सिखा रहे हैं ताकि वो हर जगह अवेलेबल हो पार्श्व कोण आसन के लिए भी आप पहले ताड़ासन में ही खड़े होते हैं और आपकी पीठ पूरी की पूरी दीवार को टच करनी चाहिए पैर की एड़ियाँ दीवाल को टच करनी चाहिए और फिर आप कमर पर हाथ रख के अपने पैरों को फैलाते हैं साढ़े तीन से चार फिट उथित हस्त पादासन में उथित हस्त पादासन के बाद आप अपने दाएं पैर को 90 डिग्री पर मोड़ते हैं और उसे आप दीवाल से छः इंच की दूरी पर रखते हैं ये याद रहे कि लेफ्ट बैक द हील शुड बी टचिंग टू द वॉल जब आप पार्श्वहस्त पादासन में खड़े हैं तो ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपकी दोनों बटक बोन दीवार पे एक ही लाइन पे, एक साथ प्रेशर के साथ टच करनी चाहिए बैक ऑफ द हेड और शोल्डर भी टच करेगा इसके बाद आप सांस छोड़ते हुए पार्श्वकोणासन में राइट साइड में जाते हैं जब आप पार्श्वकोणासन में पहुँचते हैं और आपका हाथ अगर ज़मीन तक नहीं पहुँच पाता तो आप ब्रिक या किसी ऊंची वस्तु का सहारा लेके अपने हाथ को नीचे तक ले जा सकते हैं अगर आप ध्यान से देखें तो जो कि पार्श्वकोणासन की एक खास दिक्कत होती है कि आपका वज़न दाएं पैर के घुटने में चला जाता है वो इस वक्त नहीं होगा क्योंकि आपका आधा वज़न दीवाल ने ले लिया है चौथाई वजन आपका ब्रिक ने ले लिया है और चौथाई वज़न आपका पीछे का पैर भार ले रहा है इस सीमा पे पहुंचने के बाद आप अपने ऊपर के हाथ को सीधा तानते हुए हथेली को फर्श की ओर ले जाते हैं और फिर सर मोड़कर गर्दन घुमाते हुए अपनी बाएं हाथ की बीच की उंगली को देखते हैं इस पोज से आपके लेग मसल्स और लेग बोन्स की टोनिंग होती है बहुत ही फायदेमंद है ये स्पाइन को स्ट्रेंथन करने के लिए ऑर्गेनिक बॉडी का जहां सवाल आता है वहां ये एब्डोमिनल स्लगिशनेस को दूर करता है जिनको गैसेस की प्रॉब्लम है ये उसके लिए बहुत अच्छा है बेसिकली डाइजेशन पे काम करता है नेक मूवमेंट देखिए तो सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये आपकी पूरी नेक सर्वाइकल स्पाइन को घुमाता है रोटेट करता है उसमें रोटेशनल एक्शन लाता है ध्यान रहे कि आप जब ये पोज कर रहे हैं तो आपके दाएँ पैर का घुटना दीवार की ओर ही रहे सामने ना आए तो ये घुटने का मसाज भी इसमें है घुटने की मोबिलिटी है और क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथ है इस तरह से ये पार्श्वकोणासन जो देखने में बड़ा कठिन लगता है या उनके लिए बहुत कठिन है जो अपने पैरों का इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं कर पाते वो बहुत आसान हो जाता है और आपको कहीं भी दर्द का एहसास नहीं होता फिर गहरी सांस लेते हुए आप इन्हेल करके वापस आसन फिर पैर सीधा करेंगे उथित हस्तपादासन और फिर दोनों पैर मिला के आप दीवार के सामने खड़े हो जाते हैं ताड़ासन में यही क्रिया आप अपने लेफ्ट साइड में भी करेंगे ताड़ासन से अब हम वीरभद्रासन वन की ओर चलते हैं जिसमें आप पहले अपने हाथों को सीने की ओर धरेंगे यू विल ब्रिंग योर पार्स इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट बेन नीज हेवी एक्सलेशन थ्री एंड हाफ टू फोर फीट अपार्ट पार्ट उचित हस्त पादासन से आप अपने दोनों हाथ सर के ऊपर ले जाएंगे टेक आर्म्स ओवर योर हेड इन नमस्कार मुद्रा एंड देन टर्न योर राइट फुट आउट एंड लेफ्ट फुट इन आप दाएं पैर मोड़ेंगे बाएं पैर अंदर की ओर ध्यान रहे कि आपको अपनी स्पाइन एक्सटेंड करनी है एल्बोज टाइट रखने हैं ताकि आपके शरीर का वजन ऊपर की ओर जाए और आपके घुटनों पर ना पड़े देन विदेवी एक्सलेशन यू विल गो डाउन फ्रॉम द रूट ऑफ द थाई ऑफ द राइट लेग एंड क्रिएट अ स्क्वायर यानी आपकी थाई और शिन बोन के बीच में नब्बे डिग्री का कोण बनना चाहिए इस नब्बे डिग्री का कोण बनाने के बाद आप अपने पीछे के पैर को टाइट करेंगे कीप योर बैक लेग वेरी टाइट एंड स्ट्रेट एंड देन एक्सटेंड योर स्पाइन अपवर्ड एंड लुक अप फिर आप ऊपर देखेंगे इसमें एक बहुत खास ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपनी लंबर स्पाइन को कॉन्केव नहीं करेंगे डू नॉट क्रिएट कॉन्केविटी इन योर लंबर स्पाइन सो कीप योर स्पाइन स्ट्रेट इरेक्ट एंड अपवर्ड विद अ विद्रॉन्ग इनहलेशन you will again straighten your leg you will turn the foot in in utthasta padasan and then jump and feet together अब हम आपको आज वीरभद्रासन वन का इंप्रोवाइजेशन दिखा रहे हैं ये पोज बहुत ही कारगर है आपकी स्पाइनल स्ट्रेंथ के लिए लेग्स की स्ट्रेंथ के लिए और बहुत अच्छी ब्रीदिंग के लिए यह आपके चेस्ट को एक्सटेंड और एक्सपैंड दोनों करता है जो आपकी सांस लेने और छोड़ने की क्रिया में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसके अलावा ये जो इम्प्रोवाइजेशन है ये इतना अच्छा और आसान है कि हम इसे प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी सजेस्ट करते हैं करने के लिए क्योंकि सारा बॉडी वेट अभी आप देखेंगे कि हम कैसे रस्सी के ज़रिए ऊपर उठा लेते हैं तो चलिए देखते हैं कि हम वीरभद्रासन वन कैसे इम्प्रोवाइज्ड फॉर्म में कर सकते हैं आप ताड़ासन में खड़े होंगे और दीवार के सहारे खड़े हैं उसके बाद आप अपने हाथों को ऊपर करेंगे और रस्सियों को पकड़ेंगे और राइट फुट फॉरवर्ड एंड लेफ्ट फुट बैक ध्यान रहे कि पैरों के बीच की दूरी साढ़े तीन से चार फुट के करीबन होनी चाहिए और आपने जैसे देखा कि रस्सियों के सहारे शुरू भी स्लाइड की और स्लाइड ऐसे की कि उन्होंने अपने पैर को राइट पैर को 90 डिग्री पे मोड़ा, लेफ्ट पैर सीधा रहेगा लेफ्ट पैर का घुटना सीधा रहेगा स्पाइन सीधी रहेगी कभी भी अपनी एल्बो मोड़िएगा नहीं क्योंकि फिर वज़न आपके पेट पे, पे या आपके घुटने पे आता है तो एल्बो स्ट्रेट बॉडी वेट लिफ्टेड है लेकिन क्योंकि पैर 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ है तो आप वीरभद्रासन वन की पोजीशन पे आ जाते हैं इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात एक और भी है कि आप अपनी लंबर स्पाइन को ओवर कॉन्केव नहीं करेंगे यानी जितनी समय आप जितनी बार आप अपने पैर को 90 डिग्री पे मोड़ेंगे उतनी बार आप अपना वजन उठाएंगे और लंबर स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे लंबर स्पाइन में डेंट नहीं आना चाहिए नहीं तो आपको दर्द हो सकता है फिर बहुत गहरी सांस लेते हुए अपने घुटने को राइट घुटने को सीधा करते हुए आप एक बार फिर सीधे होंगे और ताड़ासन में आ जाएंगे इस तरह से ये पोज जो वैसे देखने में बड़ा कठिन लगता है बहुत आसान और बहुत ही ग्राह्य हो जाता है और आपको चोट भी नहीं लगती हम अब आप आपको अर्धचंद्रासन नामक पोज सिखाने जा रहे हैं अर्चंद्रासन एक एडवांस पोज है एडवांस पोज हम उन्हें कहते हैं जिनमें दो पॉस्चर्स का सम्मिश्रण होता है त्रिकोणासन और पार्श्वकोणासन को मिलाने के बाद अर्चंद्रासन बनता है हम पहले ताड़ासन में खड़े होते हैं उसके बाद अपने हाथों को सीने के सामने रख हेवी एक्जिलेशन के साथ चार फीट की दूरी पर जंप करते हैं उथित हस्त पादासन से पार्श्वस्त पादासन की ओर जाते हैं राइट right साइड की तरफ पार्श्वस्त पादासन और यहां से फिर हम त्रिकोणासन करते हैं हम आपको त्रिकोणासन पहले ही पढ़ा चुके हैं त्रिकोणासन से हम पार्श्वकोण में जाते हैं और फिर अपने बाएं हाथ को कमर पर रखते हुए राइट टिप ऑफ द फिंगर से एक फुट राइट फुट के आगे बढ़ते हैं जब हम आगे बढ़ते हैं तो लेफ्ट बिग टो से अपने बॉडी वेट को राइट हैंड साइड की ओर शिफ्ट करते हैं स्ट्रांग इनहलेशन के साथ हम लेफ्ट लेग ऊपर उठाते हैं लेफ्ट फुट का पंजा सामने की ओर होगा आपका बैक ऑफ द हेड और राइट बटक बोन एक लाइन पे होगा अगर आपको पैर उठाना है तो इसके लिए आपको अपना ध्यान लेफ्ट इनर हील पे लगाना होगा जिसको आप स्ट्रांगली लिफ्ट करेंगे तो आपका पैर ऊपर जाएगा पेल्विस आपकी ओपन है चेस्ट ओपन है और आप सीधे देख रहे हैं एक बार बैलेंस होने के बाद आप अपने लेफ्ट हैंड को उठाते हैं एल्बो टाइट रखते हैं फिर सांस छोड़ते हुए आप पार्श्व कोण पर जाते हैं और पार्श्वकोण का पूरा बैलेंस स्थापित करते हैं फिर त्रिकोणासन में अपने पैर को सीधा करते हैं हाथ उठाते हैं और पूरा त्रिकोणासन करते हैं पीछे के पैर से थोड़ा और फैलाते हैं ताकि स्टेबिलिटी आपकी बनी रहे हर एक आसन में स्पेशली एडवांस पोजेज में स्टेबिलिटी का बना रहना बड़ा जरूरी है फिर एक स्ट्रॉन्ग इन्होलेशन के साथ आप पार्श्वहस्तपादासन में आते हैं पैर अंदर करते हैं उथित हस्तपाद आसन में जंप और फिर ताड़ासन ये था अर्चंद्रासन हम आपको अर्थचंद्रासन का इम्प्रोवाइजेशन भी बताएंगे क्योंकि एक एडवांस पोज है बहुत सारे लोगों को इसका बैलेंसिंग का भय रहता है तो चलिए अब हम आपको सिखाते हैं इम्प्रोवाइजेशन अर्थचंद्रासन का आयंगर पद्धति का जो खास अनूठापन है वो उसका इम्प्रोवाइजेशन आसनों का और बहुत सारे साधारण रोजमर्रा की जिंदगी में पाए जाने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना एक उपकरण की तरह ये बहुत बड़ी चीज़ है आइए इसी को देखते हैं और इसके इसके साथ सीखते हैं कि कैसे इम्प्रोवाइजेशन से हम बहुत कठिन आसनों को बहुत आसानी से कर सकते हैं आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं इम्प्रोवाइजेशन मगर पोज है कॉम्प्लिकेटेड इसका नाम है अरचंद्रासन अर्चंद्रासन में आप पहले ताड़ासन में खड़े होते हैं और उसके बाद आप अपने कमर में हाथ रखकर उसको तीन साढ़े तीन फुट या चार फिट अपने पैरों को फैलाते हैं जैसे कि हम बता चुके हैं हम दीवाल का सहारा ले रहे हैं तो आपका पूरा शरीर दीवाल के साथ टच कर रहा है अर्थचंद्रासन एक एडवांस पोज है क्योंकि ये दो पॉस्चर्स का अमलगमेशन है एक त्रिकोणासन दूसरा पार्श्वकोणासन तो आप सबसे पहले उथित पादासन से पादासन की ओर दाई तरफ जाते हैं और आपका दाया पैर दीवार से छः इंच की दूरी पे होता है यहाँ से आप पहले राइट साइड में त्रिकोणासन करते हैं और क्योंकि अगर शरीर में थोड़ी भी स्टिफनेस है या बैक एक है तो हम हाथ के नीचे एक सपोर्ट लेने को सजेस्ट करते हैं तो आपके लिए हमने यहाँ एक ब्रिक का इस्तेमाल करना सिखाया है आप साधारण ब्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरा त्रिकोणासन भली प्रकार करेंगे आप ऊपर भी देखेंगे और अपनी बीच की उंगली को देखेंगे एक बार जब आपने त्रिकोणासन में स्थिरता प्राप्त कर ली तो आप अपने लेफ्ट हैंड को कमर पर रखेंगे और राइट साइड से पार्श्वकोणासन करेंगे राइट साइड से पार्श्वकोणासन में भी उतनी ही स्टेबिलिटी आनी चाहिए क्योंकि ये पोज जैसे मैंने कहा एक एडवांस पोज है इसमें दो पॉस्चर्स का समावेश है अमलगमेशन है। है पार्श्वकोणासन करने के बाद आप अपने दाएं हाथ से ब्रिक पकड़ के राइट फुट के 12 इंच आगे ब्रिक को रखेंगे और लेफ्ट फुट को उठाएंगे आपका पूरा पैर शरीर और सर सब दीवाल से टच करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ राइट फुट दीवाल से छ इंच की दूरी पे है एक बार आपने स्टेबिलिटी प्राप्त कर ली तो आप ये जरूर चेक करेंगे कि आपकी लेग और ट्रंक 90 डिग्री पे होने चाहिए यह आपके लिए अति आवश्यक है कि एंगल्स पोजीशन के ठीक हों बहुत सारे इफेक्ट पॉस्चर के उनके एंगल पे डिपेंड करते हैं और फिर आप अपनी गर्दन को टर्न करेंगे और बीच की उंगली को देखेंगे जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि अर्धचंद्रासन जो है ये लोअर स्पाइन के लिए बहुत ही बहुत ही उत्तम प्रकार का पोज है लोअर लोअर स्पाइन की इंजरीज लोअर स्पाइन से निकलने वाली नर्व्स उनको स्ट्रेंथन करता है टांगों में मजबूती लाता है स्पाइन में मजबूती लाता है और ये बहुत अच्छा बैलेंसिंग पोज है जो आपको बैलेंस करना सिखाता है अगर आप बैक टू बैक पोज कर रहे हैं तो एक जैसे हमने पहले भी कहा प्रेग्नेंट लेडी भी इस पोज को कर सकती है फिर आप अपने हाथ को कमर पे लाएंगे जमीन की ओर देखेंगे और वापिस पार्श्वकोणासन में जाएंगे फिर पार्श्वकोणासन में जाके आप पार्श्वकोण की स्टेबिलिटी को महसूस करेंगे कतई जल्दीबाजी मत कीजिए कहीं ऐसा ना हो कि आप इसमें गिर जाएं तो आराम से करिए उसके बाद आप वापस त्रिकोणासन में जाएंगे और संपूर्ण पोज करेंगे द फुल पोज हैज टू बी डन उसमें स्टेबिलिटी लेंगे और फिर स्ट्रॉन्ग इनहेलेशन के साथ आप त्रिकोणासन से वापस आएंगे, अपने पैर को राइट right फुट को आगे लेंगे और फिर ताड़ासन में समस्थिति में वापस आ जाएंगे इस तरीके से ये इम्प्रोवाइजेशन अब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एडवांस पोज को भी बहुत आसान बना देता है और आपको उसको प्रैक्टिस करने में आनंद आने लगता है हमारी कोशिश है कि हम इस कार्यक्रम के ज़रिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसन सिखा सकें उनकी इम्प्रोवाइजेशन बता सकें और आपको इन अभ्यासों के ज़रिए अच्छे से अच्छी सेहत आप तक पहुंचा सकें हमारी आपसे एक और दरख्वास्त भी है कि अगर आपको कोई हेल्थ इशू पहले से रहा हो और आप दवाइयों का सेवन कर रहे हों तो आप बिना डॉक्टर के परामर्श के बिना उनकी सलाह के अपनी दवाई लेना ना बंद करें योग अभ्यास के जरिए धीरे धीरे हो सकता है आपकी दवा कम हो जाए या हो सकता है आपका डॉक्टर कोई बहुत अच्छा परिवर्तन देखे और कहे कि दवाइयाँ न लें लेकिन आप अपने से इन दवाइयों का सेवन नहीं बंद करेंगे योग का अभ्यास आपको सर्वांगीण रूप से फायदा दिलाएगा आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार